शांति। शांति। आज की तारीख है छह टुडेज सात मुरली चौदह डेट इज सिक्स और आज जुलाई रविवार टू है, तो थाउजेंड फोर्टीन हम अपने टुडे प्राण प्यारे बीइंग संडे मीठे मीठे वी विल वंस अव्यक्त अगेन मूर्त लिसन धारी टू अव्यक्त आवर बाप स्वीट दादा स्वीट की बाप ज्ञान दादास मुरली सुनेंगे। अव्यक्त तो ज्ञान रिवाइज मुरली कोर्स की तारीख है रिवाइज्ड कोर्स एक डेट चार बीइंग अठहत्तर फर्स्ट अप्रैल 78 की मुरली है। 1978 तो आज की दिस मुरली मुरली का बिलोंग्स टू द शीर्षक ईयर है 1978 निरंतर योगी द ही हेडिंग ऑफ टुडेज निरंतर मुरली साथी इज है। अ इतने छोटे कांस्टेंट से योगी इज महावाक्य अ के अंदर कांस्टेंट ही कंपेनियन बहुत बड़ा देयर इज अ राज बिग समाया वेरी बिग हुआ है। सीक्रेट बाबा कंटेंड इन कहते दिस वन हैं निरंतर स्मॉल सेंटेंस योगी ही बाबा निरंतर सेज साथी है। अ कांस्टेंट योगी योगी वही इज अ बन सकता कांस्टेंट है जो कंपेनियन बाबा को स्नेह करता है, वन हू लव्स क्योंकि बाबा स्नेही जन कैन के ओनली लिए बिकम याद योगी में रहना एक बिकॉज सहज टू और रिमेन इन स्वाभाविक होता रिमेम्ब्रेंस है। इज उसे वेरी मेहनत इजी नहीं करनी एंड पड़ती है। नेचुरल टास्क और फॉर जो वन स्नेही हूज होता है, ब्राह्मण वो ही जिसको डज नॉट भी हैव याद टू करता मेक है, एफर्ट्स जिसको स्नेह द करता पर्सन हु है, इज लविंग वो सदैव हुम एवर उसके ही लव्स साथ एंड और समीप रिमेम्बर्स रहता है, ही ऑलवेज जैसे वो इज उसका विथ एंड निरंतर नियर दैट का पर्सन साथी। तो वो लाइक अंदर ही ही इज द अंदर कांस्टेंट स्वयं को कंपेनियन कंबाइंड स्वरूप में सो महसूस फ्रॉम करता विदिन है। ही विल तो हैव द इसीलिए बाबा फीलिंग भी ऑफ यही बात बीइंग कहते अ हैं कंबाइंड कि फॉर्म निरंतर योगी सो बाबा जो टू बाबा के सेज साथ अ कांस्टेंट निरंतर योगी योग लगाते दैट इज हैं, दोज वही हु आर कनेक्टेड टू निरंतर बाबा बाबा को कांस्टेंटली अपना साथी ओनली दे समझ थिंक करके और बाबा टू बी देयर चलते हैं कांस्टेंट या कंपेनियन महसूस करते इन हुए एवरी और टास्क बाबा को साथ में रखते दे हैव हुए दिस हर फीलिंग कर्म को और करते कीप हैं। बाबा विद देम व्हाइल मुरली परफॉर्मिंग की एवरी शुरुआत टास्क मीठे नाउ मीठे द बाप मुरली दादा कहते बिगिन्स हैं। आप स्वीट सभी स्वीट जानते बाप हैं दादा अच्छी तरह सेज से कि जब यू भी ऑल आर मीठे अवेयर मीठे दैट प्यारे वेन प्यारे एवर आवर अव्यक्त स्वीट स्वीट मूर्तधारी अव्यक्त बाप बाप दादा ने दादा मुरली बिगिन्स की द मुरली शुरुआत की, ही हैज तो सदैव ऑलवेज ही हम प्रेस्ड बच्चों की एनकरेज्ड प्रशंसा अस की, चिल्ड्रन महिमा की, एंड और फर्स्ट हम बच्चों को स्टेबलाइज्ड अपनी अस ऊंचे इन ते दी ऊंची एलिवेटेड स्थिति स्वमान कहो और या स्टेट स्वमान कहो, उसमें पहले सो स्थित किया। टुडे तो टू आज भी आवर मीठे स्वीट मीठे स्वीट बाप बाप दादा दादा हम इन हिज बच्चों अफेक्शन की एंड लव अति फॉर अस स्नेह में चिल्ड्रन ही इज बहुत यूजिंग भारी वेरी भारी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ऑफ महिमा सुना प्रेज रहे हैं। फॉर अस तो बाप चिल्ड्रन दादा कहते सो हैं आवर कि स्वीट आज स्वीट बाप माया दादा जीत सेज पांच टुडे विकारों के इट इज ऊपर अ स्पेशल विजय गैदरिंग प्राप्त करने ऑफ वाले विजयी द विक्टोरियस ज्वेल्स रत्नों का, हु आर कॉन्करर्स माया ऑफ जीत माया विजयी रत्नों का विशेष दैट संगठन गैदरिंग है। विच वॉज हाँ, प्रेजेंट जो ग्रुप बिफोर बाबा बाप के दादा सामने देन उस समय बाय उपस्थित सिंगिंग देयर था, प्रेज उनकी महिमा बाबा करते इज हुए टेलिंग अस बाबा बता दिस रहे हैं। अभी आप नाउ नंबर वी विल वार नोट इट अपनी डाउन इन अ महिमा सीरियल लिखते ऑर्डर जाएंगे। द प्रेजेस विच आज बाबा के हैज संगठन मेंशन में बाप विथ दादा किन चिल्ड्रन इज बाप बच्चों को दादा देख सीन रहे इन हैं, टुडेज गैदरिंग जो आदि दोज से हु हैव अंत बीन तक कॉन्स्टेंटली बाप फेथफुल दादा टू के बाप दादा सदा फेथफुल, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द जब से एंड लेकर के फ्रॉम द शिव बाबा टाइम को शिव ब्रह्मा तन बाबा में एज आए इनकार्नेटेड हुए इन द हैं बॉडी ऑफ ऐसा ब्रह्मा बाबा पहचाना, तो दोज आदि हु से हैव लेकर रिकग्नाइज्ड के हिम और फ्रॉम द फिर अंत बिगिनिंग तक, टू द एंड माना अभी तो चल नाउ ही रहे वी आर हैं ऑल मूविंग परंतु अंत बट तक विल ऐसे कंटिन्यू ही टू डू चलेंगे। टिल द कैसे एंड चलेंगे? हाउ विल वी फेथफुल, कंटिन्यू इन अ विश्वासु फेथफुल होकर वे के, निश्चय मीनिंग बुद्धि होकर हैविंग के जो कंप्लीट चलेंगे, फेथ तो जो एंड आदि ट्रस्ट से अंत तक बाप दादा के दोज हु सदा हैव बीन फेथफुल, कॉन्स्टेंटली ऐसे फेथफुल नहीं टू कभी बाप फेथफुल दादा कभी फेथफुल फ्रॉम द नहीं, बिगिनिंग टू द नहीं एंड हमेशा नॉट बीइंग फेथफुल ऐसे फॉर सम सदा टाइम बाप एंड देन के नॉट हैविंग कदमों ट्रस्ट में इन हिम कदम रखने वाले। ऑलवेज हाँ, बीइंग दूसरी फेथफुल महिमा टू बाप दादा बाप की जो दोज हु श्रीमत हैव बीन मिलती है, कॉन्स्टेंटली जैसे प्लेसिंग ब्रह्मा देयर बाबा ने स्टेप्स इन बाबास श्रीमत पर अपने फुटस्टेप्स कदम रखे, द तो सेकेंड हमको फ्रेप्रेज फॉलो बीइंग फादर करना वॉट है, एवर तो श्रीमत हम वी गेट भी फ्रॉम द बाप के फादर कदम पर लाइक ब्रह्मा कदम रख बाबा करके केप्ट हिज चलेंगे। फुटस्टेप्स तो फॉलोइंग सदा श्रीमत बाप के सो वी हैव टू कदमों में फॉलो कदम फादर रखने वाले, सो अर्थात वी टू विल प्लेस आवर श्रीमत स्टेप्स पर इन बाबास चलने वाले। फिर फुटस्टेप्स दोज हु आगे हैव बाबा बीन कहते कॉन्स्टेंटली हैं प्लेसिंग सदा देयर के स्टेप्स इन बाबास सहयोगी, फुटस्टेप्स
सहयोग देने वाले, किसको? मीठे मीठे बाप दादा के दिव्य कर्तव्य को, तो सहयोगी और फिर साथी है, और फिर बाप दादा के साथी है। हर समय बाप और सेवा में मग्न रहने वाले, और फिर ऐसे बच्चे जो हर समय किसमें मस्त रहते हैं, किसमें बिजी रहते, किसमें मगन रहते, तो बाबा की याद और बाबा की सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। बहुत ऊंची बात बाबा ने बताई है। तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी मर्यादा का उल्लंघन न हो, अर्थात जो स्वप्न आते हैं ना संकल्पों के आधार पर, तो स्वप्न तक भी मर्यादा कहीं टूटे नहीं, तो संकल्प में भी न टूटे, विचारों में भी कभी कोई भी ऐसे विषयी विकारी संकल्प मर्यादा की लकीर से बाहर न ले जावे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे जो सदा हर सेकंड, हर संकल्प, जन्म जन्म साथ में रहते हैं, जिनके हर संकल्प हर सेकंड सिर्फ इस जन्म में साथ नहीं रहते, लेकिन बाबा कहते हैं वो अपने संस्कार इतने कड़े बना लेते हैं, जो जन्म जन्मांतर यह ऊंचे संस्कार संकल्पों के उनके साथ चलते हैं। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं, हमारा कौन सा वायदा है मीठे मीठे बाप दादा से, कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, सिर्फ प्रेम नहीं किया है लेकिन प्रेम करके जो वायदा किया है उस वायदे को निभाने वाले, ऐसे बच्चे जो अभी सामने बैठे हैं, जो वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों, उनको ही तो सपूत कहा जाएगा, तो ऐसे सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी ही देते हैं। अभी इसमें भविष्य का गुह्य राज भी बाबा ने सुना दिया, तो ऐसे बच्चे जो वायदे को निभाते हैं वो भविष्य में जन्म जन्मांतर, बाबा कहते हैं कि वो ब्रह्मा बाप के साथी बनते हैं, यानी कोई ना कोई संबंध से उस जन्म में बाप के साथ रहेंगे और हर जन्म में साथी बन के साथ रहेंगे। तो ऐसे बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं, अभी ही उनको वो वरदान प्राप्त हो जाता है। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से, ध्यान से सुने सभी, साकार बाप के साथ ब्रह्मा बाबा के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, उनको तो हम जानते हैं कि श्री राधे कृष्ण या श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में उनकी पूजा होगी, लेकिन उनके साथ साथ जो अनेका अनेक इष्ट देवी देवताओं का गायन पूजन होता है, तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी, उनकी पूजा होगी तो उन बच्चों की भी पूजा होगी और पुजारीपन में भी साथी। फिर जब
भक्ति मार्ग में भक्ति करना शुरू करते हैं, पुजारी बन करके अपने आप को ही जब पूजने लगते हैं, तो पुजारीपन में भी भक्त में भी वो साथी बनते हैं, माना वो भी साथ साथ भक्ति शुरू करते हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी, भक्त बनके, पूज्य बनके, और फिर बाबा कहते हैं संगम पर ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी, माना तीनों में, जो पूज्य पद है सतयुग त्रेता में वहाँ भी साथी, फिर द्वापर कलयुग में पुजारीपन में भी साथी भक्त बन करके, और फिर संगम युग पर बाबा कहते हैं कि ज्ञानी तू आत्मा बन करके भी बाप के साथी बनते हैं। ऐसे सदा साथी का वह तत्त्वम का वरदान, ऐसी विशेष आत्माओं को अभी ही प्राप्त होता है। बाबा सेज, जैसा बाबा कहते मैं हूँ तत्त्वम, वैसे तुम भी हो, तो बाबा कहते ये वरदान अभी ही ऐसी आत्माओं को प्राप्त होता है जिनकी हम लोगों ने ये 14, 15, 16 जितनी महिमाएं सुनी। तो आगे बाप दादा कहते हैं हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, जो भी बाप दादा के अंदर है, नॉलेज जो बाप दादा में है, और सेवा में समानता जो मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने सेवा की और ब्रह्मा बाबा सेवा की, तो दोनों की सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है, और फिर बाप दादा के साथ साथी बन करके ये गुणों में, नॉलेज में और सेवा में, यानी कर्तव्य में कहाँ तक साथी हैं, वो भी बाप दादा देखते हैं। तो बाबा कहते चेक करो, अपना चार्ट देखो कि हम उसमें समान हैं। समानता ही समीपता को लाएगी, जो जिसके समान बनना चाहता है ना, तो वो जितना जितना समान बनता जाता है वो उतना उनके करीब आता जाता है, समीप आता जाता है। तो बाप दादा कहते चेक करो कि आप बाप दादा के इतने समीप पहुंचे हो, अभी की स्टेज माना हमारी अवस्था और भविष्य की स्टेज में, और हर सेकंड साथीपन का अनुभव, अभी की स्टेज, भविष्य की स्टेज और हर सेकंड साथीपन का अनुभव, जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। ये जो अभी भविष्य का और प्रैक्टिकल हर सेकंड का ये जो अनुभव है, वो बाबा कहते हैं ये आपके साथ चलेगा। कितना चलेगा? जन्म जन्मांतर, बाबा कहते जो भी नाम रूप में आप जन्म लेंगे, उस नाम रूप के साथ जो भी संबंध में आप आओगे, वहाँ भी आप वहाँ निमित्त बनोगे, साथी के साथ रहने के, उनके साथ जो भी उनका जीवन होगा, कार्य होगा, उसके अंदर आप साथी बन के रहोगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी, हम बच्चे ये बहुत अच्छा भेद जानते हैं, एक है राजा विक्रम और एक है विक्रम। तो विकर्म माना विकर्म माना पाप कर्म, और विक्रम माना विकर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। तो सतयुग त्रेता में है विक्रमाजीत, अर्थात विकर्मों पे जीत प्राप्त करने वाले, विक्रमाजीत बनने में भी साथी, और फिर राजा विक्रम यानी विक्रमादित्य,
जो विकर्म करना शुरू होता है, क्योंकि द्वापर से विषय विकार शुरू होते हैं, तो फिर द्वापर में राजा विक्रम बनने के समय में भी साथी, तो हर पार्ट में हर वर्ण में साथ साथ होंगे। देखो बाबा हम बच्चों को कितना भरोसा दिलाते हैं, कितना विश्वास दिलाते हैं कि बच्चे यदि अभी ये सब विशेषताएं आप अपने में धारण करते हो तो मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा के अंदर जो आत्मा है, जो श्री कृष्ण के रूप में भविष्य में जन्म लेगी, आप उस आत्मा के साथ 84 ही जन्म साथ साथ साथी बन करके निभाएंगे। इसका ही गायन है कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे, साथ गिरेंगे। भारत की चढ़ती कला, भारत की उतरती कला। तो जो मुख्य हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं, सिर्फ एक राधे कृष्ण की आत्मा नहीं, लेकिन उनके साथ साथ जो भी साथी बन करके पार्ट प्ले करती हैं आत्माएं, जो वायदा निभाती हैं, बाबा कहते हैं गायन उनों का ही हो रहा है कि जिएंगे तो भी साथ, मरेंगे तो भी साथ में, और चढ़ती कला यानी चढ़ेंगे तो भी साथ में, और जब गिरेंगे तो भी साथ में। तो चढ़ती कला, उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। कितना बाबा देखो उन बच्चों को प्यार करते जिन्होंने ये विशेषताएं भरी पड़ी है। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, पूर्ण रूप से जो साथ निभाते हैं, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। जो जितना अधिक साथ निभाएगा वो उतना भविष्य में समीप के संबंध में आएगा। विश्व की नंबर वन श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे नंबर वन आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। आज श्री कृष्ण की आत्मा का संसार में कितना बड़ा भारी महत्व है, तो उनके साथ में ऐसी जो आत्माएं हैं उनका भी उतना ही महत्व हो जाता है। जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं, जैसे कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व होता है। भाई ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, तो उनकी माँ, उनके भाई, उनके जो बच्चे, सभी का नाम होता है, उनकी पत्नी तक का भी, सभी का जैसे कि नाम और महत्व हो जाता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा, ये तो इस जन्म की बात है। लेकिन जो आत्माएं 84 जन्मों में, जिसका सबसे बड़ा पार्ट है हीरो का, अगर उसके साथ साथ साथी बन के चलने वाली जो आत्माएं हैं, समीप में आने वाली आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं उनका तो कितना महत्व ऊंचा होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, हाँ बाबा कहते हैं अभी थोड़ी सी दुनिया के अंदर हलचल होने दो, फिर देखना। क्या देखना? आदि पुरानी आत्माएं, आदि पुरानी आत्माएं माना जो बाबा कहते हैं शुरू शुरू सतयुग की आदि में उतरने वाली आत्माएं, सदा साथ का संबंध निभाती आई है, जो शुरू शुरू आदि में उतरी और यज्ञ की स्थापना में भी
आदि में आई और जो सदा इस यज्ञ के संबंध में साथ निभाती आई हैं, उनका देखना कितना महत्व होता है। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं ना, वैसे उसकी बहुत वैल्यू समझते हैं, ऐसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते, स्वयं को भी वो धन्य अनुभव करेंगे। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि मुरली चली है 78 में और अभी है 2014। कितने साल पुरानी ये मुरली है, और आज हम देखते हैं कि दादी दीदियों को और जो भी पुराने आदि रत्न हैं, जिन्होंने मम्मा बाबा की पालना ली है, आज उनसे मिलते हैं, यदि उनकी दृष्टि मिल जाती है, यदि उनसे एक दो मिनट की मुलाकात भी हो जाती है, उनके दर्शन हो जाते हैं, तो भी आज ब्राह्मण आत्माएं भी स्वयं को धन्य धन्य समझती है। तो जो अज्ञानी आत्माएं हैं, जब उन्हें ये बात का पता चलेगा तो कितना बड़ा भारी महत्व हो जाएगा। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो, बाबा कहते हैं आप अपने को ऐसे भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो, महसूस करते हो। प्राइम मिनिस्टर तो ये जन्म में, लेकिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण की आत्मा, उनके साथ रहने वाली समीप आत्मा, साथ निभाने वाली आत्मा, उनके समीप रत्न जो है, बाबा कहते हैं उनका कितना भारी महत्व। तो आप ऐसी आत्माएं हो, जितना आप बाप के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के भी गुणगान करेंगे। रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? दुनियावी मनुष्य आत्माएं रिटर्न में आपका भी गुणगान करेंगी। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? बाबा कहते हैं अभी आपका गुणगान क्यों नहीं करते हैं? ये 78 की बात है, लेकिन अभी तो ऐसी आत्माओं के गुणगान दो मुख से सभी करते हैं। अज्ञानी वीआईपी आते हैं, अज्ञानी आत्माएं आती हैं, ब्राह्मण बच्चे जो नए नए जन्म लेते हैं, सभी अभी गुणगान करते हैं, सेवा भी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? इसका कारण क्या? अभी भी मिलता है, लेकिन बाबा कहते हैं कम मिलता है। अभी तो हम अंत के समीप पहुँचे, संपूर्णता के भी समीप पहुँचे, तो उस समय 78 की बात है, बाबा कहते हैं अभी भी मिलता है लेकिन कम। उसका कारण जानते हो? अभी कभी कभी बाप और आप को कहीं मिक्स कर देते हो। बाबा कहते हैं कहीं कहीं आप बाप की महिमा करते करते, बाप का कर्तव्य करते करते, बाप समान गुणों को धारण करते करते, बाप समान कार्य करते करते, अपने आप को भी कहीं मिक्स कर देते हो। जैसे श्रीमत में मन मत को मिक्स करना, शुभ चिंतन में नकारात्मकता को मिक्स करना, तो बाबा कहते हैं मिक्स कर देते हो, कर देते हो, तो सुने क्या मिक्स कर देते हैं? तो बाबा कहते हैं कि बाप के गुण गाते गाते आप अपने भी गुण गाने शुरू कर देते हो। What did we mix? क्या मिक्स कर दिया? बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। बाबा ऐसा, बाबा ऐसा, फिर मैं भी ऐसा, मैं भी ऐसा, मैं भी ऐसी, मैं भी ऐसी, तो इसीलिए मिक्स हो जाता है। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, बाबा कहते हैं भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। वो जो सुख्यम में
मैपन आ जाता है और अपनी महिमा कर लेते हैं, तो वहाँ भावना मनुष्य आत्माओं की खत्म हो जाती है। यही सबसे बड़े ते बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। ये मैपन त्यागना है। इसी त्याग के आधार पर नंबर वन आत्मा ने नंबर वन भाग्य बनाया। उसने कहीं भी अपनी महिमा नहीं की। सदैव ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बाप की महिमा की। बाबा ने कभी अपनी महिमा नहीं की। तो नंबर वन भाग्य बाबा ने बनाया और अष्ट रत्न नंबर का भी आधार यही त्याग है। उन्होंने भी जो अष्ट नंबर में अपना नंबर पाया उसका भी आधार बाबा कहते हैं ये मैपन का त्याग है। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, जब मैं खत्म तो मेरा क्या रहा? सब कुछ तेरा तेरा तेरा। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, मेरा काम या मेरी ड्यूटी, मेरा नाम। ध्यान से सुने, मैं फिर से पढ़ती हूँ। कहीं ना कहीं हम सभी इन शब्दों का इस्तेमाल करके और हम अपनी या तो महिमा करते या फिर अपने गुण गाते, मैं महान, ये सिद्ध करते कि मैं बहुत गुणवान हूँ। तो मेरा स्वभाव क्या करूँ, मेरा स्वभाव ऐसा, फिर मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, मेरा काम है, ये मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, ये मेरी ही ड्यूटी है, मेरा नाम, मेरी शान, मैपन, ये मैपन में ये मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। बाबा कहते हैं ये सारे शब्द समाप्त हो जाने चाहिए और फिर ये मैपन मेरे में समाप्त हो जाए, यानी बाबा में समाप्त हो जाए, और यही समानता बाबा कहते हैं संपूर्णता है। स्वप्न में भी मैपन न हो, स्वप्न में भी मैं नहीं आना चाहिए, इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैं पन के अश्व को स्वाहा करना। मैं पन कब आया? जब देह भान में आए, स्वयं को शरीर समझा, तो शरीर रूपी अश्व को मैपन को मिटाना माना, अश्व को यज्ञ में स्वाहा कर देना। तो यही अंतिम आहुति है और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। जब ये मैपन समाप्त होगा तब विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ। बाबा कहते हैं ये अंतिम आहुति जब डालते हैं ना, तो जैसे वो सब मिल करके स्वाहा स्वाहा करके हर पदार्थ चीज डालते जाते हैं, तो बाबा कहते हैं संगठित रूप में सब मिल करके और फिर ये मैपन को क्या करो, आहुति दे दो, स्वाहा कर दो यज्ञ में। फिर ये पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। फिर ये प्रकृति भी क्या करेगी, दासी बन करके, और फिर वो भी सर्व प्रकार के सफलताओं की माला पहनाएगी। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं ना कहीं विघ्न रूप बनते हैं। पांच तत्वों के द्वारा भी कहीं ना कहीं जो कार्य हमें करना है उसमें विघ्न आ जाता है। तो वो तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे अभी विनाश होने जा रहा है, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे, परंतु लास्ट स्वाहा करेंगे ना, तो
तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया आपकी आरती उतारेगी, खुशी के बाजे बजाएंगे, सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन कर नाचेंगी। खूब आपकी महिमा करेंगी, खूब घुंघरू पहन करके नाचेंगी, तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार भी मर्ज होंगे, तभी भक्ति के सारे संस्कार अंदर में समा जाएंगे। ऐसी भक्त आत्माओं के भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्माओं के द्वारा मिलेगा, और तभी ये अंतिम घड़ी में सारे भक्त आत्माओं को आप इष्ट बन चुके होंगे और आपके द्वारा उनको उनकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वरदान प्राप्त होंगे। कोई को भक्त तु आत्मा का वरदान, कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान, सर्व आत्माओं को अभी वरदानी बन वरदान देंगे। सकामी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। ऐसे वरदानी मूरत कामघेनु आत्माएं बने हो, ऐसी कामघेनु बने हो जो आत्मा जो मांगे, जैसे आज इष्ट देवी देवताओं के पास सभी जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हजारों लाखों मुरादे लेकर के जाते हैं, और देवी देवताएं उनको यदि ये कह दे तथास्तु तो उनकी मुराद पूरी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जो मांगे आप कहेंगे तथास्तु, तो ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। अच्छा, अभी आदि में बाबा ने इतनी महिमा की, तो बाबा याद प्यार देते हुए भी ऐसी ही महिमा कर रहे हैं। नोट करेंगे कम से कम 12 से 14 महिमा है। अच्छा, ऐसे सदा सुरवीर, सदा तख्त और ताजदारी, फिर हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले, हर समय सर्व खजानों से संपन्न, अखूट खजाने से सदा संपन्न रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले, ऐसे संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब मीठे मीठे बाप दादा ने दादी दीदी से मुलाकात की है, तो थोड़ा सा मैं आपको सुनाती हूँ। दादी दीदी से बाबा कह रहे हैं भविष्य का प्लान बनाना है, उसके लिए संगठन इकट्ठा किया है, क्या प्लान बनाएंगे? जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया, और अभी जो करेंगे वह भी अच्छा। कोई भी प्रोग्राम व प्लान की सफलता का आधार क्या होता है? हर एक ये ध्यान से सुने, कोई भी प्रोग्राम व प्लान की सफलता का आधार क्या होता है? रवाजी रीति से भी किसी कार्य की सफलता का आधार क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो तो क्या सोचते हो कि अभी जो कॉन्फ्रेंस की उसकी विशेष सफलता का आधार विशेष व्यक्ति की पर्सनालिटी का रहता है? कोई भी विशेष आत्मा को हम बुलाते हैं और वो विशेष आत्मा आती है और वो आकर के यदि अपने विचार सुनाती है, तो वो पर्सनालिटी के कारण वो विशेषता कार्य की सफलता हुई
ऐसा माना जाता है। समझो हमने प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाहा और प्राइम मिनिस्टर आए तो हम क्या कहेंगे, हम सफल हुए क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर को बुलाने में सक्सेस हुए। तो पर्सनालिटी का रहता है, जैसी पर्सनालिटी वाला आएगा वैसा आवाज बुलंद होगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष आवाज बुलंद करने का लक्ष्य रखकर प्लान बनाते हो, विशेष पर्सनालिटी आवे जिससे स्वतः ही आवाज बुलंद हो जाए। तो पर्सनालिटी साधन बन जाता है। लौकिक में भी पर्सनालिटी वाले बाहर की आवाज फैलाने के निमित्त बनते हैं। वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनालिटी चाहिए। जो निमित्त बने हो आप लोग उनके अंदर पर्सनालिटी चाहिए, परंतु वो कौन सी पर्सनालिटी जो आवाज बुलंद हो। तो बाबा अभी बता रहे हैं पर्सनालिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो देखने की आकर्षण तो और भी बढ़ जाती है। तो वर्तमान समय की पर्सनालिटी कौन सी चाहिए बच्चों की? प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। बाबा कहते जितनी मन वचन कर्म से हमारी प्योरिटी होगी, पवित्रता होगी, वही हमारी पर्सनालिटी बनेगी। जितनी जितनी प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। हाँ, सर्व झुकेंगे। जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं। प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण, प्योरिटी की पर्सनालिटी बड़े बड़े लोगों के भी सिर झुकाती है। हाँ, क्योंकि भाई पवित्र रहते हैं। तो वर्तमान समय प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर ही सिर झुकेंगे। जैसे अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव हो, आने से ही उनको प्योरिटी के वाइब्रेशंस मिले, प्योरिटी की खुशबू अनुभव हो। जहाँ देखे वहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसका ही अनुभव करना चाहते हैं। जो चारों ओर नजर नहीं आती, चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशंस नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि के नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशन कहीं भी नहीं आता है। अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षण होती है, लेकिन प्योरिटी की आकर्षण नहीं होती। अभी प्रैक्टिकल जीवन में ये प्योरिटी की पर्सनालिटी चाहिए, जो पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व को आकर्षित करे। कहीं प्राइम मिनिस्टर आता है, पर्सनालिटी है तो सब स्वतः ही भागते हैं ना। तो ये पर्सनालिटी सबसे नंबर वन है। अभी ये प्लान बनाना, धर्मात्माओं को आकर्षित करने वाली यही पर्सनालिटी है। वो अनुभव करे कि जो चीज हमारे पास नहीं है वो यहाँ है। नहीं तो समझते हैं कि हाँ कन्याएं हैं, माताएं हैं, काम अच्छा कर रही हैं, बस इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनालिटी समझकर सामने आए कि ये विश्व की बड़े से बड़ी पर्सनालिटी हैं, समझा कुछ और था, देखा कुछ और, ऐसे अनुभव करे कि उनको ये आए कि जो हमारी बुद्धि में बात नहीं है वह इनकी प्रैक्टिकल जीवन के अंदर है। ऐसा महात्माओं को भी, धर्मात्माओं को भी महसूस होना चाहिए। ये है महारथी को नीचे गिराना। हाँ, ये इस दुनिया के सारे महारथी हैं। जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनालिटी के आगे वो झुक जाए।
अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, जो स्वयं ही सभी आकर्षित हो, जहाँ देखें जिसको देखें प्राप्ति का अनुभव हो, तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। अभी मेहनत एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, फिर ये दोनों का काम ये प्योरिटी की पर्सनालिटी ही करेगी, क्योंकि वो हमको आमंत्रित करेंगे, तो हमें कहीं भी अपनी मनी नहीं लगानी पड़ेगी, हमें अपनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। अभी वाइब्रेशन नहीं बदले हैं, अभी भी भिन्न नजर से देखते हैं, अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो हैं जैसे हैं वैसे नजर से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ और वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी तक बिचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं, तो प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों के सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसलिए ढूंढते ज्यादा हैं। तो आप अपने लाइट हाउस स्वरूप से उनको मंजिल का रास्ता दिखाओ। अभी हम आज का मीठे मीठे सतगुरु बाबा के द्वारा वरदान सुनते हैं। तो आज का वरदान है फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ। क्या स्मृति में लाए? तो बाबा कहते हैं स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ, ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो। तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे, फिर आप अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतिंद्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी, तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। स्लोगन है आज का सुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेती है। शांति। अच्छा, ओम शांति।